हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिवान से और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आर्टिगा गाड़ी है, इसमें रेंज शो नहीं हो रहा है और हमने अभी गाड़ी भी चलाया लगभग 30 किलोमीटर और उसके बाद भी रेंज शो नहीं हो रहा था। तो इसमें एक मुझे दिक्कत मिली भी है, वो भी देख लेते हैं। और टाइम अभी हो रहा है 12:36, इसमें शो हो रहा है और वाकई में 12:37 है और मैंने STT लगाई है तो इसमें डाटा भी आ रहा है, कोड आ रहा है B1842 फ्यूल कंजम्पशन इनवैलिड डाटा समथिंग करके आ रहा है। और अब हम देखते हैं इसका इसमें दिक्कत क्या मुझे मिली थी। तो आप इसमें मैं आपको दिक्कत दिखा दे रहा हूँ, इनवैलिड डाटा क्यों आ रहा है। क्लॉक सेटिंग में हम देख रहे हैं, डेट एडजस्टमेंट में देखिए, डेट आप देखेंगे तो इसका जो अभी चल रहा है 2021 है और 9वां मंथ है और डेट है आज हमारी आई थिंक 10 थी कल, तो आज 11 है, ठीक है 11 तारीख है। तो अब इसे हम सेट करेंगे और इसको हम करेंगे बैक, इसको करेंगे हम बैक और फिर अब चेक करेंगे हम कि ऐसा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये डाटा हमारे पास हिस्ट्री में था और ये दिक्कत भी थी। एक बार ऐसा मेरे साथ हो चुका है कि फ्यूल कंजम्पशन का आता है इनवैलिड डाटा करके और इसमें दिक्कत ये रहती है कि हमारा जो टाइम और डेट होता है वो सही नहीं रहेगा, तो इसमें डाटा नहीं आ पाता है सही से, क्योंकि इसमें जो हर जगह है माइक्रो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं बहुत सारे उसके कारण से। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसका टाइम सही किया है और उसके बाद टेस्ट ड्राइव लिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी रेंज आ रहा है, शो हो रहा है और एवरेज इकोनॉमी भी शो हो रही है। तो जब अगर हमारा यहाँ पे जो टाइम है आना चाहिए, डेट और टाइम अगर इनवैलिड रहेगा, देख सकते थे यहाँ पे अभी आया था फिर से मैं लगा, डेट और टाइम हमारा सही नहीं रहता तो इनवैलिड डाटा इंजन के पास जाता है इश्यू पे ही, तो उसके कारण से ये कभी कभी इशू करता है कि हमारा रेंज नहीं शो होता है। तो STT में हमारा वो आ रहा था, उसको हमने क्लियर भी किया, अब दोबारा वो कोड नहीं आया है और हमारी रेंज शो हो रही है। तो एक ये भी कारण मुझे पता चला है कि इसके कारण भी हमारे रेंज नहीं आ सकती है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।